काश मुझे लड़की चांद सी मिल जाए, काश मुझे लड़की चांद सी मिल जाए जो रात को आए और सुबह चली जाए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मातृभाषा जो होती है वो नहीं होती जो आपकी माँ बोलती है। वो माँ तो किसी की गूंगी भी होती है, जिसका मतलब उसकी मातृभाषा ही नहीं होती क्या? मातृभाषा वो होती है जो राष्ट्र माँ बोलती है, जो एक राष्ट्र की भाषा होती है उसे हम मातृभाषा बोलते हैं। तो जैसे बताया कि थोड़ी सी हरियाणवी टोन आ जाए तो माफ़ करना, मैं बाकी मैं हिंदी में ही बोलूँगा। तो ये जो कविता जो है ये उस टाइम की है जब लगभग 2005-06 में मैं यहाँ आया था। उस समय बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी, जैसे फेसबुक, ट्विटर और ये सब। $10 का एक कार्ड आता था, 50 सेंट कॉइन डालते थे, फिर उसकी माँ उठा लेती थी, फिर काटना पड़ता था, फिर दोबारा ट्राई करो, फिर कोई उसके डैडी उठा ले, फिर काटना पड़ता था, और इतनी देर में वो कार्ड ही ख़त्म हो जाता था। बड़ी प्रॉब्लम होती थी हम लोगों को उस टाइम पे। आज सबके पास कोई ओजी कॉल है, कोई लाइका, पता नहीं कितने फ़ोन आ गए, बात ईजी हो जाती है। तो ये उस टाइम की बात है। तो उस समय कवि ने सोचा कि ऐसा कुछ जरिया बनाया जाए जिससे हम अपना संदेश हिंदुस्तान पहुंचा सकें, ताकि उनके सुने, वो उनके पास बात पहुंचे। तो ऐसे उसने बादलों से दोस्ती की, बादलों के थ्रू उन्होंने संदेश भेजने की कोशिश की कि बादलों के थ्रू संदेश भेजा जाए ताकि उन तक संदेश पहुंचे। उसी के आधार पर ये कविता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद आएगी। पेश करता हूं कि ऐ बादल तू अपने आगोश में कितना पानी समा लेता होगा, ऐ बादल तू अपने आगोश में कितना पानी समा लेता होगा, इतनी ऊंचाई पर रहता है, वहाँ से तो मेरा घर भी दिखाई देता होगा। और उसका घर कौन सा वहाँ से दूर है, और उसका घर कौन सा वहाँ से दूर है जहाँ रहती मेरे सपनों की हूर है। वो रूठी हो तो उसे मना देना, वो रूठी हो तो उसे मना देना, एक बूंद पानी की उसके गाल पर गिरा देना, जमीन पर गिरने से पहले अगर वो मोती ना बन जाए तो मुझे बता देना। जब तू जाएगा मेरा संदेशा लेकर, जब तू जाएगा मेरा संदेशा लेकर, तो वो दौड़कर छत पर आएगी, अपना हाथ हिलाएगी और जोर से चिल्लाएगी, उसे मत बताना कि तुझ में उसे मैं देख सकता हूँ, नहीं तो वो शर्मा जाएगी। जब तू पूछेगा उसे तो वो तुम्हें बताएगी, जब तू पूछेगा उसे तो वो तुम्हें बताएगी, मेरी मोहब्बत का किस्सा वो तुम्हें सुनाएगी। ऐसा लगने लगेगा कि रात आज खुद सोने वाली है, और जब वो ज़्यादा मुस्कराने लगे तो समझ जाना कि अब वो रोने वाली है। वो रोएगी और उन्हें खुशी के आंसू बताएगी, वो रोएगी और उन्हें खुशी के आंसू बताएगी, मुझे भी अक्सर उलझाती है वो ऐसे ही बहानों में, उसे कहना कि पहुँच ले इन आंसुओं को आँखों से, वरना रहेगा कौन इन टपकते मकानों में। उसे कहना कि मैं हर रोज़ मेट्रो में बैठता हूँ, उसे कहना कि मैं हर रोज़ मेट्रो में बैठता हूँ, सोचता हूँ कि जींद आ जाए। जींद मैं जहाँ पे रहता हूँ, मेरा शहर है छोटा सा। मैं हर रोज़ मेट्रो में बैठता हूँ, सोचता हूँ कि जींद आ जाए, वो लहराते हुए पेड़ और उन पर लटकती हुई पींग आ जाए। मैं सोया नहीं हूँ एक मुद्दत से उसकी याद में, वो आंखों पर हाथ रख दे तो शायद नींद आ जाए। तेरी मदद से इस दुनिया में मेरी भी मोहब्बत का एक किस्सा होगा, तेरी मदद से इस दुनिया में मेरी भी मोहब्बत का एक किस्सा होगा, और जब होगी तुझे किसी से मोहब्बत आए अंबर राज, मोहित भी तेरी मोहब्बत का हिस्सा होगा। तो ऐसे बात करते करते वक्त गुजर जाता है, ऑप्शन कुछ होते नहीं, स्टडी है, फिर PR डालनी है, TR डालनी है, तो इंडिया जाने का टाइम नहीं होता किसी का। जब सब कुछ कंप्लीट होने के बाद एक टाइम आता है जब आदमी वापस हिंदुस्तान जाता है और हकीकत से सामना होता है। हमारी क्या बात होती है कि हम लोग जब जाते हैं जी सोचते हैं कि ऐसा ही होगा वहाँ भी, जो जैसा हम छोड़ कर आए थे, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक कवि का शेर याद आ गया मुझे कि कुछ पल रुकने से ही दूर हो जाती है मंजिल, हम ही नहीं चलते रास्ते भी चलते हैं। तो ऐसे ही है कि हम जो छोड़ कर आए थे ऐसा कुछ नहीं है, तो वो जब हकीकत से उसका सामना होता है और वापस आता है फिर क्या होता है वो पेश करता हूँ। कि मोहब्बत के किस्से सुने सब अच्छे थे, मोहब्बत के किस्से सुने सब अच्छे थे, और सुनकर लगा के सब सच्चे थे, और 5 साल के बाद जब ऑस्ट्रेलिया से गया तो उसके 2 बच्चे थे।
एक दिन हम बाजार में मिले थे, एक दिन हम बाजार में मिले थे, मेरे तो जैसे लब सिले थे। उसने सब्जी वाले से कहा, भैया पेठा है? फिर मेरी तरफ देखा, बोली कि ये छोटा और ये जेठा है। फिर एक और आवाज़ आई, फिर एक और आवाज़ आई, वो थोड़ी सी घबराई, बोली कि उन्होंने मुझे पुकारा है, मेरा पति ही मेरा दुलारा है, एक उनका हुआ तो क्या हुआ, एक तुम्हारा है। एक उनका हुआ तो क्या हुआ, एक तुम्हारा है, इसी को देखकर वक्त गुजारा है। सोचा था तुम आओगे नहीं तो मुझे बुलाओगे, सोचा था तुम आओगे नहीं तो मुझे बुलाओगे, अब ऐसे ही खड़े रहोगे या कुछ बताओगे। मिलना सा था पर एक मुलाकात नहीं थी, मिलना सा था पर एक मुलाकात नहीं थी, दिन का ढलना सा था रात नहीं थी, और बंद से हो गए थे मेरे होठ, मेरे पास कोई बात नहीं थी। उसने अपना सामान उठाया और वो जा रही थी, उसने अपना सामान उठाया और वो जा रही थी, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे शायद ये बता रही थी, कभी ऊपर कभी नीचे गर्दन को झुका रही थी, शायद कुछ दिखा रही थी, इसीलिए तो मेरी दी हुई पायल को वो बार बार खनका रही थी। जब उसे पहली बार देखा था तो वो जिंद गवर्नमेंट कॉलेज के बाहर खड़ी थी, जब उसे पहली बार देखा था तो वो कॉलेज के बाहर खड़ी थी, उसके चेहरे पर उसकी जुल्फों की दो चार लट पड़ी थी, और शर्मा कर खुद ही में सिमट सी गई थी वो जब उस पर मेरी नज़र पड़ी थी। वो जब भी चलती थी तो एक खुशबू चलती थी, वो जब भी चलती थी तो एक खुशबू चलती थी, मेरे दिल में उसके प्यार की कली खिलती थी। आज कहना चाहता हूँ मैं उसे बहुत कुछ, जाने क्यों तब नहीं कहा जब वो मुझे हर रोज़ मिलती थी। बीत गए वो दिन, बुरे थे शायद पर अब अच्छे हैं, बीत गए वो दिन बुरे थे शायद पर अब अच्छे हैं, मेरी भी शादी हो गई मेरे भी बच्चे हैं। काश वो जिक्र ना करे मेरी मोहब्बत का किसी के सामने, काश वो जिक्र ना करे मेरी मोहब्बत का किसी के सामने, यही मेरा हित होगा। यकीन तो नहीं पर थोड़ा सा विश्वास है कि उसके बड़े बेटे का नाम मोहित होगा। एक पीछे अभी एक पीछे दोस्त ने मुझसे पूछा कि उसका नाम तो बता दो भाई, तो मैं उसके लिए एक नाम बताता हूँ कि मैं तो क्या है, मतलब नाम तो नहीं बता सकता। खैर उसने क्या कहा कि भाई ये कल्पना है, मतलब एक स्टोरी तो नहीं है मतलब अभी, तो उसने कहा कि मैं बता तो देता उसका नाम इस भरी महफिल में भी, मैं बता तो देता उसका नाम इस भरी महफिल में भी, पर हर एक की जबान पर उसका नाम अच्छा नहीं लगता।